20 हुआ है, वी आर स्टार्टिंग द पॉइंट, लेट्स सी हम कब तक ऊपर पहुंचते हैं। पूरा रूट तो नहीं दिखा पाएंगे। यस, गाइस ये देखो फेंसिंग किया हुआ है बीच बीच में। हाँ, पर मुझे नहीं लगता फेंसिंग। वो चढ़ने से अच्छा तो इधर स्ट्रेट रास्ता है। गाइस बताओ नेक्स्ट ट्रैक कहाँ पे करें हम? कोई सिंपल सा बेबी के साथ कर सके प्लीज, बिकॉज हम अभी को छोड़ना नहीं चाहते। चल बाय। चेंज, हम पीछे आ चुके। अरे बोला ना ये बैग इसके लिए तो ऐसे बनते हैं ना। यू कैन कैरी हिम टिल 5 years इन दिस बैग। 5 years तक नहीं भाई, वो वेट बढ़ेगा, मैं पागल हूँ। मैं बोल रही हूँ ये अपुन ने लेके अच्छा। गाइस मंकी दिखे हमको, मंकी मेमोरी फुल। लड़का कहाँ पे गया हुआ? अभी बंदा आया तेरे पीछे, लकड़ी है ना? नहीं कुछ नहीं करेगा, अब लकड़ी दिखाना मत उसको, वो बहुत कुछ करेगा। क्या व्यू आ रही है इधर से? आ रुक जा, धीरे धीरे जाओ, अब अंदर कुछ नहीं करते। क्या बात कर रहा, कुछ नहीं करते? नहीं कुछ नहीं करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। आपके पास जब तक खाने का आइटम नहीं है वो कुछ नहीं करेगा। ये बुड्ढा मोटा, ये हरामी लग रहा है, मुझे देख के भी लग रहा है। चुप रहो ना, खाना है ठूसा हुआ। नहीं मोटा, उसको लगा हुआ है, मुझे मुझे लिप से कुछ कराया। हाँ कैंसर जैसा कुछ है। इसके बॉल से पूरा अंदर तक जा रहे हैं। आंटी, हाँ वो लोग आ रहे हैं क्या? रुक गए फैमिली के मेरे। आ रहे चल रहे, आ रहे आ गए। ये इस बंदर ने चेंज कर लिया है, अब वो नीचे गिर जाएगा। इधर यहाँ से व्यू देखो गाइस, एक घंटा चढ़े हम लोग। वाओ अच्छा रे, वाओ सुबह आना चाहिए था। एक बात टोपी के हाय, अपने को ट्रैकिंग सूट लेना है प्रॉपर। बाहर शूज से ज्यादा शूटिंग, मुझे आबू के लिए भी शूज लेने। आबू कहाँ ट्रैक करेगा साला, वो चल ही ले बराबर, उतना बाहर से क्यों चल रही है, चल बीच में। मैं गिरूंगी तो लेफ्ट में गिरेगी, तू लेफ्ट में गिरेगी। मैं गिरूंगी तो इस साइड गिरूंगी। वाह गाइस हालत देखो इस गंदा, बट ये देख के इट्स वर्थ। अब गाइस एक लंबे पीक के बाद किसे चढ़ाई है? नहीं बेवकूफ, एक पीक हो गया है, अभी ये थोड़ा सा वॉकवे है, टूट ही कनेक्टेड वे है फॉर द दूसरा माउंटेन, तो फोर्थ तक जा सके। सो चलते हैं यहाँ से ही और नेचर का मजा लो। व्हाट द फक, इसको देखो कैसे चढ़ा अपने बाप के पीछे। अब उसे हाय हाय बाय। वाओ
अबू हाउ आर यू फीलिंग? दिस इज योर फर्स्ट ट्रैक. आपका नाम क्या है? नहीं बताऊंगा. गाइस अभी भी 45 मिनट्स है और उसकी खुद की कैमरामैन की और ये बच्चे की फट चुकी है. हाँ, रिटर्न जा रहे हैं. ये प्लानिंग तो देखेंगे, नीचे उतर के ताकत है इनमें तो हम लोग सेंचुरी घूमेंगे. सेंचुरी थोड़ा रुक के घूमेंगे बिकॉज सेंचुरी 6 बजे तक चालू है. तो हमको 6 बजे तक यहाँ घर नहीं बांधना, हमको घर भी जाना बिकॉज उतरने में एक घंटा जाने वाला है. कौन बोला? हमको पूरा कितना टाइम लगा? हमने 9:20 को स्टार्ट किया था. इट्स 10:40 और भी 40 मिनट्स. सो अप्रॉक्स 2 आवर्स जाते. सो वी आर रिटर्निंग बैक. उस बच्चे की हालत देखो. कहाँ गया हुआ है ये भाई साहब. बोलता है कि इसको खाना नहीं और रोता है भूख के लिए. अभी हमने मारी गोल्ड और पानी मिक्स किया है क्योंकि उसका दूध शायद फट गया होगा. और अभी इस भैया के कारण हमको ट्रिप कैंसिल करके रिटर्न जाना होगा. देखेंगे अगर ये खा लिया थोड़ा. नहीं नहीं नहीं, अब हम नहीं जा पाएंगे बहन जी. अब हमसे ना होगा. अब हम जाएंगे नीचे और बर्ड देखेंगे 4-5. पकड़ेंगे ऑटो सीधा पनवेल स्टेशन, वहाँ से घर. बाकी व्यू बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है. एक थोड़ा सा शैडो मिल गया बैठने के लिए. ये नेचर, गॉड, गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड. थोड़ा बुका बाबा, वो देखो कैसे पनिशमेंट दिखा रहे हैं मुझे. अब खाओ. मेरा पैर सुनो क्या? वो मेरा पैर लकवा मार रहा है, लकवा मार रहा है, लकवा मार रहा है. खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. टेढ़ा हो गया पैर मेरा. अब सीट यार, इधर बैठो. बैठ उधर सीधे से. बिठाओ बोल रहा था. वो कैसे बैठेगा? वो ही तो बोल रही, बिठाओ. बैठ, बैठ. पीछे जाना नहीं, आगे होना नहीं. अब तो तेरे भरोसे है. गाइस बच्चों को लेकर ट्रक पे मत आओ क्योंकि मम्मियों को बहाना मिल जाता है. ठीक है, अब मम्मी की शक्ल देखो. 12 बज गए पर मैं अभी भी चढ़ सकता हूँ, पर मैं अब नहीं चढ़ूंगा. ये है बहाना. क्या करेगा बॉटल के साथ? अभी उसमें थोड़ा सा पानी बचा है. अब वो तो रख दे, हमारे नसीब में 2 बूंदी नहीं खाए. तू चुप रहे, वो नीचे जाके टांकी का पानी पीना है. बैठा हूँ मैं. अब खाओ. मूंगी काटेगी, काटेगी. चिड़चिड़ कर रहा है इसके लिए बिकॉज़ उसको नींद आएगी तो अपने आप सो जाएगा. नींद का नहीं है, गिरेगा पीछे. आ गया बेटा. अच्छा मतलब भूख तुझे है, याद हम तुझे दिला कि तुझे भूख है. अब इसको पीछे बांध मेरे और फटाफट नीचे उतरते हैं. ये भाई साहब को खाना भी खिलाना पड़ रहा है. अब वो हम खुद खाते थे तेरे एज में. तू मैं तो 7 महीने. मैं तो पैदा होती दूध पी रहा था ना खुद से. इसने तो वो भी नहीं किया ना, इसको तो पहले से जबरदस्ती खिलाया पिलाया. फिनिश, फिनिश. आओ चल पानी पी. इक्विरा जाएंगे नेक्स्ट ट्रिप. इक्विरा वाला चढ़ान नहीं है बोलते है तेरी तो.
अरे तू क्या टेढ़ी मेढ़ी डाल रही बॉटल, सारा पानी तो गिर जाएगा, नीचे डालना साइड बैग में, साइड में। बाबू इधर तेरे बाप के नसीब में इतना सा ही पानी है नीचे उतरने तक का। सो हम थक चुके थे, अभी आ गए थे हम लोग यहाँ पे एक लेडीज। इतने थके थे कि हमने वीडियो भी नहीं सीखी। हाँ एक्चुअली बिकॉज इसको लेके उतरना था एंड ही वाज टू टायर्ड। इसको जब तक पानी में नहलाया नहीं, फ्रेश नहीं किया ना, अभी ये जिंदा टिका हुआ है इसके लिए। यहाँ पे ना एक लेडीज सेंटर है जहाँ पे ओल्ड एज लेडीज अपने मम्मा के एजेस के होंगे, दे रन दिस, या वेरी गुड। तो दिस वड़ा का ये जो बेसन है ना, थिन लेयर है, बहुत थिन है, इट्स रियली गुड। हाउ डिड यू लाइक द फूड? 7/10। ऐसी प्लेस पे ये इतना टेस्टी फूड मिलना मुश्किल है। थैंक यू गाइस। नाश्ता करके अभी हम थोड़ा सा बर्ड्स के लिए निकल पड़े हैं बर्ड्स देखने। ये दोनों जा रहे हैं। अबू आई लव यू। बेस है, बेस इसके आवाज में। वाह बंद करो, आ जाएगा। चलो चलो मचाओ, उधर पानी मार मार के वो पक्षियां काली हो गई। अबू कम अबू चलो, यहाँ पर हमको ये दिखेगा कॉमन ओरा, आई साइलेंट है। These are plants, वो greenery, greenery. थोड़ी सी बारिश हो जाए बिन बिन। रिकॉर्ड हो रहा ना? Hi guys. बोलो। ये हमारा छोटा व्लॉगर। अबू बोलो। Hi guys. Hi बोलो सबको अबू। चलो चलो चलो। हाय गाइस, चल ये क्या पकड़ेगा वो। चलो चलो बोलो हाय गाइस। बोलो अबू, अबू बोलो हाय गाइस। बोलो हेलो। बोलो बोलो अबू बोलो। स्पीक ऑन कैमरा। अच्छा दिखा रहे हो क्या? हाँ हाँ। सो हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। हाय व्लॉग, कम ऑन अब यू कैन डू इट। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, प्लीज। हाय हाय हाय, बोले जा रहे हो दीदी। दीदी और आ जा रहा है फुल। हेलो धनबेल, कहां है आप? मैं बोल रही हूं ऑन दी ऑन है ना। हां हां दीदी। बैक बैकग्राउंड चालू कर, मतलब बैक कैमरा फिर वो बराबर बोलेगा। कमाल है वो। हाय गाइस, तुम्हारा एक ही आवाज आ जा रहा है। तो जब तक वो एक वर्ड पूरा नहीं बोलेगा तब तक मत बोलने लगाओ ना, वो बोलेगा जो बोलना है उसको। चलो अब बोलो। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, आप सब ठीक होंगे? बराबर ठीक है, मेमोरी फुल कर रहा है। अब बस कर चले, बहुत ज्यादा व्लॉगिंग कर ली आज के लिए। चला आज के लिए बस इतना ही बोलना, अब मिलूंगा जब बड़ा होगा तब व्लॉग बनाऊंगा। चलो भागो भागो, कम ऑन पकड़ो मम्मी को। मम्मी के आगे निकल गया।
गाइस ध्यान से पढ़ लो इसको, इधर सब इनकी दादागिरी चलती है। चलो अभी ऑटो वाले भैया से बात करते हैं। ये थके हालत वो स्टेशन ला सोडल का कॉन्वेल स्टेशन किती यार 300 रुपये आता 350 ची गाडी गेली चौघा आम्ही तर दोनच आहे 300 रुपये वाढायचं आम्हाला एमटी घ्यायला आणि मग ही शेअरिंग कुठं भेटणार शेअरिंग बघा इकडनं जाऊ चला भाऊ का बाबू हे चल अंकल नाही बोल रहा अंकल 300 रुपये वाढत आहे बघूया ना शेअरिंग मध्ये काय करणार अरे गाडी मे नाही इधर मी 180 रुपयात आलो आहे आणि 250 तुम्हाला देणार तर मग मी काय करणार एम टी जाना पडत आहे बोलते अभी थोडी एम टी हां बराबर तभी सुबह का टाइम था ना तभी तो लोग आने वाले रहेंगे हो हो मान्य आहे सकाळी पण आता काय कस्टमर आहेत ना हा नको नको मीटरने लुटाल मला चलो ऊपर इधर से ऊपर हाँ पण शेअरिंग आहे आम्ही तर दोनच आहे 200 रुपये मग बाकीची सीट घ्या ना तुम्ही घ्याल जीपे चल तर ऑटोपेक्षा गाडी बरी चल बाबा इसने ये अंकल भी मान गए 200 में मी येताना 180 देऊन आलेलो ऑटोवाल्याला स्टेशनला सोडाल ना पण हाँ हाँ गॉड थैंक यू हाँ उनका पूरा ये शेयरिंग का टैक्सी है कोण भेटतं तर बसू असं काय नाही ठीक आहे तुमच्यावर आहे त्यांनी घेतलं नाही गरीब सरन 200 आहो ते 250 रुपये बोलतात 300 बोलतात काय बोलणार आहे त्यांना टोपी घातली तर वाटतं बाहेर ना आलाय कल्चर भी फॉलो नाही करणे का जान दे चला नाही नाही मला काय झालं माहिती का मला एकाने सांगितलं का माहिती काय 800 डायरी ते म्हणून मी आलो रिकामा अरे नाक्यावरून आताच गेले आता गेले पाच जण गेले ऑटो एका ऑटो मध्ये हा ते 350 त्यांना ठीक आहे 5 जण 350 देऊ शकतात आम्ही दोघं 350 मध्ये काय पाहिजे मुंबईवरून यायला 80 रुपयात रिटर्न जातं तसं आम्ही 400 रुपये इथून परत नंबरला जाणार पण तिकीट थांबणार रिजेक्शन तर आमचं 200 आपण निघून जाऊ चालेल धन्यवाद भाऊ तो अंकल को थैंक यू बोलना ठीक है जाने के टाइम पे अंकल 200 में मान गए इसको ब्लॉगिंग का चक्कर मैं सोच रही थी बैठ लो ये आराम से बैठे ना सो जाएगा बैठ जाओ अबू